टेक्निकल मेट्रो स्टेशन। और आज के ब्लॉग में मैं विजिट कर रही हूँ द ग्रेट वेनिस मॉल, जो है ग्रेटर नोएडा में, परी चौक से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ जाने में जो ड्यूरेशन है वो पूरी अभी मैंने ऑनलाइन देखी है, वो मुझे लगने वाली है 40 to 45 मिनट्स, और फेयर लगने वाला है 70 रुपीज़। तो चलते हैं द ग्रेट वेनिस मॉल। बॉटनिकल मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, यहाँ से मुझे जाना है 52 तक। 52 से एक्वा लाइन पे मुझे चेंज करनी है मेट्रो, और सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो अशोक नगर मयूर विहार से होते हुए मेट्रो आएगी, उसी से मैं जाऊँगी अभी। तो मैं पहुँच गई हूँ नोएडा सेक्टर 52। अब यहाँ से मुझे एक्वा लाइन पे चेंज करना है, और उसके बाद सबसे पहला मेट्रो स्टेशन आएगा 51। यहाँ से एग्जिट करना होता है, और एग्जिट के बाद दोबारा दूसरी मेट्रो मिलती है। तो देखिए 52 से एक्वा लाइन जब चेंज करनी होती है तो 300 मीटर पैदल चलना होता है, और 300 मीटर पैदल चलने के बाद में सामने आ गया है सेक्टर 51। तो दोस्तों 51 से जो मेट्रो स्टेशन लगता है वो है उत्तर प्रदेश का, इसलिए यहाँ पे जो है दिल्ली मेट्रो का कार्ड भी नहीं चलता है। तो यहाँ से या तो नया कार्ड लेना होता है, या फिर डायरेक्ट जो है काउंटर पर जाके टिकट लेना होता है। इवन मैंने पेटीएम से भी टिकट करने की कोशिश की, तो उससे भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश मेट्रो का अभी उसमें ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे सभी लोग जो हैं लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है काउंटर्स पे। सभी लोग यहाँ पे ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिल्ली मेट्रो यूज़ करने वाले लोग ही हैं, तो यहाँ पे उनका कार्ड नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे काउंटर पे भी लिखा हुआ है कि दिल्ली मेट्रो के कार्ड यहाँ पर नहीं चलते हैं। अगला स्टेशन परी चौक स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन इज परी चौक स्टेशन। द ग्रेट वेनिस मॉल, और ये पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। और ये जो मॉल है इटली का एक शहर है वेनिस, उसी की थीम पे बना हुआ है, और काफी सारे ब्रांड्स के यहाँ पे शोरूम बने हुए हैं। सामने वाला पिलर है वहाँ पे लिखा हुआ है वेनिस मॉल। यहाँ की पार्किंग भी बता देती हूँ, 4-व्हीलर पार्किंग है, उसके लगते हैं 70 रुपीज वीकेंड पे, और नॉर्मल डेज में लगते हैं 60 रुपीज। 2-व्हीलर का लगता है यहाँ पे 30 रुपीज, वीकेंड्स में लगते हैं 40 रुपीज। ये है मॉल का फ्रंट गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं। और देखिए अभी रात का टाइम है, तो लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत हो रही है, और साथ में फाउंटेन भी चल रहे हैं चारों तरफ। यहीं से ही जाते हैं, एंट्रेंस यहीं पे है। इसके अलावा उस तरफ भी एंट्रेंस है, लेकिन वहाँ पे जो लोग अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में लगाते हैं उनके लिए एंट्री है। तो मैं आई हूँ अभी पैदल, तो यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। पर देखिए कैसा व्यू दिखता है, यहाँ से एस्केलेटर हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चारों तरफ काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे बीचों बीच एक पियानो भी रखा हुआ है, यूनाइटेड कलर ऑफ वेनेशन, ले मार्के, लेवाइस, मिस्टर डी, सब कुछ है यहाँ पे। लेंस कार्ड भी है, और बीचों बीच यहाँ पे ये पियानो रखा हुआ है। चायोस भी हैं यहाँ पे, जिसकी चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बोलते हैं कि 80 रुपीज़ चाय का एक कप होता है चायोस का। बहुत ही अलग थीम में ये बना हुआ है वेनिस मॉल, इसीलिए ये फेमस है। और भी इसकी अलग अलग चीज़ें हैं, पूरा इसको कवर करते हैं ऊपर से ये कैसा दिखता है। 3-4 फ्लोर इसके ऊपर हैं, पूरा एक ही थीम पे है, पूरा जो है वाइट कलर में ये बना हुआ है, ऊपर कुछ कलरफुल भी है। मॉल की सबसे स्पेशल चीज़ है वो है गंडोला राइड। अब देखिए ये लोग जो है यहाँ पे गंडोला राइड कर रहे हैं। इस तरह की एक छोटी बोट होती है जो वेनिस मॉल के अंदर से होते हुए जाती है, 5 मिनट की ये राइड होती है। दिस इज़ अ गंडोला राइड जो पूरे दिल्ली NCR में सिर्फ वेनिस मॉल के अंदर ही होती है। यहाँ पे एक कैनाल बनी हुई है, जिसका पानी देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत साफ पानी है। इसी से होते हुए लोग गंडोला राइड करते हैं। तो इस मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर बनी हुई है टावर ऑफ पीसा, जिसे पीसा की मीनार भी कहा जाता है। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है टावर ऑफ पीसा, जो कि जिसे झुकी हुई मीनार कहते हैं, मतलब एक तरफ से ये झुकी हुई रहती है। तो वेनिस में ये बनी हुई है, उसी थीम पे यहाँ पे बनाई हुई है, वाइट कलर की पेंटेड है, इसके अंदर से जा भी सकते हैं। स्टेयर्स बनी हुई है राउंड राउंड, इसके ऊपर भी जाके देखेंगे। गंडोला राइड के प्राइस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए मंडे टू फ्राइडे होते हैं 300 रुपीज़, और सैटरडे संडे यानी वीकेंड पे पब्लिक हॉलीडेज़ पे यहाँ पे 400 पर पर्सन इसका लगता है।
देखिए इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स के लिए ये है, यहाँ पे इन्वेंट है, यहाँ पर एस्केलेटर है, वहाँ पे है लेंस कार्ट, ये है ली मार्के, लेवाइस है ऊपर, मिस्टर डी है और एडिडास वगैरह जितने भी बड़े इंटरनेशनल नेशनल ब्रांड्स हैं सभी के शोरूम हैं। ऊपर से देखिए ऐसा दिखता है ये, वहाँ पे कुछ कलरफुल है रेड और ब्लू में। यहाँ पर पियानो रखा हुआ है और यहाँ पर है तुर्किश आइसक्रीम जिसके प्राइस है 129 रुपीज़ स्मॉल में, वेनिला का है 179 में, मीडियम है, इस तरह के काफ़ी सारे फ्लेवर हैं यहाँ पे। तो तुर्किश आइसक्रीम लेने वक्त कई सारी एक्टिविटी यहाँ पे होती है, देखिए लोग यहाँ पे सब लोग आइसक्रीम ले रहे हैं। एक ब्रांड है यहाँ पे मी आर्गस जिसमें किड्स का सारा सब सारी वैरायटी में खिलौने वगैरह कपड़े सब कुछ है यहाँ पे, देखिए कितना सारा कलेक्शन है इनके पास में। अब मैं जा रही हूँ पीसा की मीनार के अंदर, अंदर से चल के देखते हैं कैसी दिखती है ये। ये यहाँ पर स्टेयर्स है, इसके नीचे भी जा सकते हैं। लोग यहाँ भी बाज नहीं आते, कुछ भी लिख के चले जाते हैं। देखिए इतना बढ़िया मॉल बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है, पेंसिल से पेन से कुछ भी यहाँ पर लिख के चले गए हैं। अच्छी बात नहीं है, इस तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें बनी होती है तो इनको गंदा करना गलत बात है, ये सिर्फ देखने के लिए और फील करने के लिए बनी हुई होती है। पीसा की मीनार के चारों तरफ होते हुए ऊपर भी जा सकते हैं और जिन लोगों को फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रुकना है वो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। पूरा देखेंगे इसको ऊपर से और ऊपर से जाके दिखाऊंगी कि नीचे का जो व्यू है कैसा दिखता है और जो कैनाल है वो ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। छोटे छोटे यहाँ पर जो है विंडो बना हुआ है, बहुत ही पुराने तरीके से बनी हुई है, शायद ये पत्थर की है। देखिए छोटे छोटे होल भी हैं इसके अंदर। सेकंड फ्लोर से व्यू दिखाती हूँ कैसा दिखता है मॉल का। तो सेकंड फ्लोर और इसके बाद में एक और फ्लोर है, यहाँ से प्यूमा का शोरूम दिख रहा है और कैनाल देखिए ब्लू कलर का पानी पूरा नज़र आ रहा है यहाँ से। H&M का शोरूम भी है वहाँ पर। तो लोग अभी राइड थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि रात वाला टाइम है तो पब्लिक थोड़ी कम है, दिन में बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है। तो मुझे लगता है कि इसके प्राइस भी 300 रुपये कुछ ज़्यादा हैं क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ये राइड करवाते हैं, 5 मिनट के लिए 300 रुपये देना अगर आप पसंद करेंगे तो आइए और यहाँ पे राइड कीजिए। इसके ऊपर तीन तरह के ऑप्शन हैं जाने के लिए, एस्केलेटर से जा सकते हैं, नॉर्मल स्टेयर से जा सकते हैं और ये जो टावर ऑफ पीसा बना हुआ है इससे भी होते हुए जा सकते हैं। तो ये है सबसे लास्ट फ्लोर यहाँ का, थर्ड फ्लोर, इसके ऊपर कुछ फ्लोर नहीं है और कुछ शोरूम है जो खाली है, यहाँ पे दुकानें अभी खाली है। ऊपर है गेम जोन, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जोन है यहाँ पे। वहाँ पे है घोस्ट हाउस, छोटे छोटे भूत भी नज़र आ रहे हैं यहाँ से। और वहाँ है जिप एंड मस्ती, मस्ती वाला एरिया, तो बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, सभी तरह के लोगों के लिए है, अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। इसके अलावा एक स्नो वंडर भी यहाँ पे बना हुआ है जिसमें है जो माइनस टेम्परेचर होता है, मतलब जिस तरह से मनाली मसूरी में जो बर्फ़बारी होती है, सॉफ्ट स्नोफॉल होता है, जिन लोगों को स्नोफॉल देखना होता है 700 रुपीज़ दे के स्नो वंडर्स में जा सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर। तो इसलिए ये जो ग्रेट वेनिस मॉल है इसलिए फेमस है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने को मिलेंगी जिसके अलग अलग चार्जेस लगेंगे, गेम्स के अलग चार्जेस हैं, स्नो वंडर्स के अलग चार्जेस हैं। थर्ड फ्लोर तक आने के बाद अब मैं एस्केलेटर से जा रही हूँ फोर्थ फ्लोर पर, जहाँ पर सारे गेमिंग जोन हैं, कौन कौन से गेम वहाँ पर है, बच्चों के लिए क्या क्या अवेलेबल है वो सब भी बताती हूँ आपको। तो जो टावर ऑफ पीसा से मैं आई थी वो थर्ड फ्लोर तक ही आता है, उसके बाद में स्टेयर्स नहीं बनाई है ऊपर। और ये मैं पहुंच गई हूँ गेमिंग जोन पे, गेम जोन के अलावा फूड कोर्ट भी है यहाँ पे। यहाँ पर जो स्नो मस्ती है ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट गंडोला राइड इन स्नो पार्क और इसका मंथली प्लान है वो है 1199 रुपये का है। सारी चीज़ें हमने जान ली है गंडोला राइड के बारे में और पीसा की मीनार के बारे में, गेमिंग जोन भी हमने देख लिया है। अब सबसे जो मेन चीज़ है वो है फूड जोन, फूड जोन भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पूरा फूड जोन है फोर्थ फ्लोर के ऊपर में, यहीं पे गेमिंग जोन और फूड कोर्ट पूरा है। तो यहाँ है हल्दीराम, MOC, वाव चाइना, वाव मोमो, बिरयानीज, बर्गर किंग और बैठ के खाने की भी यहाँ पर सारी सुविधा है। यह है अमृतसरी एक्सप्रेस,
वहाँ पूरा जो दूर दूर तक है ये पूरा फूड कोर्ट है, इतना बड़ा है यहाँ पे ये। इस मॉल के दूसरे छोर पर भी कैनाल है लेकिन राइडिंग अभी यहाँ पे बंद है। और ऊपर आपको दिखाती हूँ कलरफुल यहाँ पर जो है बिल्डिंग टाइप का बनाया हुआ है, जैसा कि वेनिस शहर पूरा बसा हुआ है वहाँ के घर इसी तरह के होते हैं, कलरफुल होते हैं और बीच से कैनाल निकली हुई होती है, कलरफुल है पूरा, येलो पिंक ऑरेंज। छोटा सा यहाँ पर ब्रिज भी है, फोटोग्राफी के लिए बहुत ही शानदार जगह है। जब बोट यहाँ से जाती है तो इसको क्रॉस करते हुए जाती है इस ब्रिज के नीचे से। तो दोस्तों ये था द ग्रेट वेनिस मॉल जो कि ग्रेटर नोएडा में है, और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है परी चौक। इसके अलावा आप अपने पर्सनल व्हीकल से, कैब वगैरह से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इस मॉल में जब आते हैं तो सिर्फ मोबाइल से ही फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेके आई थी गोप्रो, तो गोप्रो उन्होंने वहाँ पर काउंटर पर रखवा लिया है। बाहर जब सिक्योरिटी चेकअप होता है तो बड़ा सा ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी यहाँ पे लेके नहीं आना होता है, कैमरा वगैरह सब जमा करवा देते हैं। तो सारा शूट मैंने इस ब्लॉग को किया है मेरे मोबाइल फ़ोन से। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको दिल्ली NCR के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।